शेरियार अफरीदी का भाई फौत हो जाता है, शेरियार अफरीदी को इजाजत नहीं दी जाती अपने भाई की फौत की उसके जनाजे पे जाया जाए। हमारे दौर में नवाज शरीफ की बीवी फौत हुई, 4 दिन गुजारने के लिए दिया हमने। तो ये कौन सा जुर्म किया शेरियार अफरीदी ने, को पता तो चले कि जुर्म क्या किया है। क्या जुर्म ये किया है कि पुरमन एहतजाज करना हमें हमारा आईन हमें हक देता है पुरमन एहतजाज, क्योंकि या तो ये साबित करें ना कि किसी ने तोड़ फोड़ किया, हम आपकी मदद करेंगे, हम हथियार बैठे हैं, आप बताएं कि कोर कमांडर हाउस किसी ने जलाया या किसी ने कोई पुलिस की गाड़ी जलाई हो, हम कहते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम उनको ये मुजरिम है कौम के। लेकिन कितनी गाड़ियां जली, कितने आग लगी कोर कमांडर रेडियो पाकिस्तान, कितने हुए, 10 होंगे, 8 होंगे, क्या होंगे, ना उसके ऊपर कोई तहकीकात की। अभी तक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं आई जो कि कोर कमांडर घर में हुआ। कैपिटल हिल में जब ट्रंप के फॉलोअर्स ने घुस के वहां जब घुस गए थे, पहली चीज किया, हेड ऑफ पुलिस को मुअत्तल किया गया। यहां पूछे है दंदराता फिर रहा है जो पंजाब का आईजी, उसे पूछा कि ये तुम्हें जब सारा पता था कि क्राउड आ रहा है, क्यों नहीं आपने प्रोटेक्शन दी और किसको फायदा हुआ इससे। सवाल मेरा ये है कि ये जो 9 मई का फायदा किसको हुआ, तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ। जिसको फायदा हुआ वो जिम्मेदार था 9 मई का। और मैं आपको आज लिख के देता हूं कि जिस दिन एक इंडिपेंडेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये साबित होगा कि ये किया गया था, प्री प्लान था, ये कैसे हो सकता है 48 घंटे में 10,000 लोगों को पकड़ लिया जाके पीटीआई के, ये कैसे हो सकता, क्या लिस्टें बन गई 48 घंटे में, पता भी चल गया किधर है और एकदम जाके सारा क्रैकडाउन कर दिया, यह कि मानने वाली बात है, पहले से प्लान किया हुआ। और मैं शेरियार अफरीदी का फिर कहूं कि एक तो उसको चक्की में रखा हुआ है जिधर कातलों को रखते हैं, उसके बाद जब उसको वहां जाने नहीं दिया, वहां जाके उसके रिश्तेदारों को उठा लिया, जनाजे से उसके रिश्तेदारों को उठा के जेल में डाल दिया, अभी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह लोगों को जेलों में रखा हुआ, जिन कंडीशंस में लोगों को जेलों में रखा हुआ, जिस तरह के शेरियार अफरीदी, इनको मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको क्लास बी या जो भी जेल होता है उसके अंदर फैसिलिटीज दी जाती है, जरा देखिए नवाज शरीफ वगैरह और